और इसमें हैं रूपाली, सुनील गंगवाने, श्रुति दिलीप, उतेकर, जाह्नवी, सुरेश जाधव, नेहा, सुनील, क्षीर सागर, पलक संतोष, चूरी, आकांक्षा है यहाँ पर, और महाराष्ट्र की टीम इस समय वार्म अप कर रही है। ये देखिए उत्साहवर्धन एक दूसरे का। इस समय 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत मलखम के मुकाबले इस समय चलते हुए और वार्म अप इस समय कर रही है महाराष्ट्र की टीम। टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और एक के बाद एक रोप महाराष्ट्र की टीम पोल मलखम में पहले प्रदर्शन करेगी और उसके बाद दिल्ली की टीम रोप मलखम में प्रदर्शन करेगी और अल्टरनेट इसके बाद फिर महाराष्ट्र की टीम रोप मलखम में जाएगी और दिल्ली की टीम पोल मलखम में जाएगी। इस प्रकार इसको काफी रोचक बनाया गया है, इस प्रतियोगिता को। मलखम संघ के पदाधिकारियों द्वारा और लगातार कोशिश की गई, जिसकी वजह से आज मलखम के खेल को 36वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। ये पहला अवसर है जब मलखम की टीम जो है राष्ट्रीय खेलों में शामिल है। इस समय देखिए वार्म अप करते हुए कोच अंतिम समय तक अपने खिलाड़ियों को समझाते हैं कैसी उनकी रणनीति होनी चाहिए, किस ढंग से वो प्रदर्शन करें, किस ढंग से वो पकड़ करेंगे और अधिक से अधिक अपनी टीम के लिए अंक प्राप्त कर सकेंगे। वार्म अप इस वक्त की वैसे ही ये स्टैंडिंग बदल जाएगी और यही होता हुआ यहाँ पर नजरें बनाए रखिए। महाराष्ट्र की टीम है, आकांक्षा है महाराष्ट्र से, शुरुआत हो गई है आकांक्षा की। और महाराष्ट्र मलखंब का गढ़ माना जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो टीमें ऐसी हैं जिसमें कांटे की टक्कर होने की संभावना हमेशा बनी रहती है और यहां आकांक्षा ये पैर का फरारा, नटराज आसन की मुद्रा, टॉप पर जाने का प्रयास, टॉप पर गई हैं, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, पद्मासन, यहां पर एक पद सिरासन, यहां से क्या करेंगी, क्या वीरभद्रासन की तरफ जाएंगी और यहां से फ्लिप। स्पीड अप ये कह रहे हैं उनके कोच। आपको लग रहा होगा कि बहुत तेजी है लेकिन अगर डिफिकल्टी और कॉम्बिनेशन के अंक चाहिए तो और तेजी लाने की जरूरत। ये बगल का फरारा है, और यहां पर लैंडिंग परफेक्ट, इंच परफेक्ट लैंडिंग होती हुई। और महाराष्ट्र की टीम ने मध्य प्रदेश को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है पहले प्रदर्शन के बाद ही कि आप टॉप पर जरूर गए हैं लेकिन अभी हमारा प्रदर्शन देख लीजिए और उसके बाद ये तय होगा कि कौन सवासीर साबित होता है। ये कपाल उड़ी के साथ शुरुआत हुई थी आकांक्षा की और उसके बाद जो तेजी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये फरारा, यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रेसिंग, प्रेस एलिमेंट किया था। चेहरे के भाव पर भी नजर रखिए, प्रसन्नता के भाव, और उसके बाद जो फ्लिप करती हैं वो कमाल का होता है। और यहां से जो लैंडिंग हुई, बिल्कुल पैर जहां पर फ्लोर पर गिरे वो चिपक से गए थे।
पोल मलखम पर इस समय प्रदर्शन चलता हुआ। यहाँ पर पलक महाराष्ट्र की पलक इस समय पोल मलखम पर अपना प्रदर्शन करते हुए सुई धागा किया। इन्होंने शुरुआत में चूक जरूर गई थी लेकिन उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं। पलक संतोष और अब ऊपर जाती हुई यहां से ताड़ासन नटराजासन और ये फरारा और ये पोज दिया है वहां पर उन्होंने। लैंडिंग करेंगी साइड लैंडिंग परफेक्ट लेकिन जो शुरुआत हुई थी उसमें थोड़ा सा बैलेंस मिस कर गई थी। पलक का प्रदर्शन बढ़िया था लेकिन जो शुरुआत में उन्होंने ग्रिप बनाई थी वो ग्रिप में फिसलन पील इस समय पोल पर अपने प्रदर्शन की तैयारी पर। नेहा सुनील और दूसरी तरफ प्रतियोगिता के लिहाज से देखें तो शायद कम और महाराष्ट्र की नेहा पोल मलखम पर नटराजासन की मुद्रा। बोथ साइड एलिमेंट्स ये फरारा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ किया है। ये एक और फरारा नटराज आसन की मुद्रा टॉप पर गई हैं प्रेसिंग एलिमेंट और ये फ्लिप ये बहुत मुश्किल है लेकिन उसके बाद भी जिस सहजता और सरलता के साथ नेहा इसको निभा पा रही हैं वो काबिले तारीफ है। बगल का फरारा शोल्डर बैलेंस भी दिखाया है। अब समरसॉल्ट की तैयारी है बहुत मुश्किल विधा फ्रंट समरसॉल्ट या बैक समरसॉल्ट आता हुआ फ्रंट समरसॉल्ट और लैंडिंग अच्छी नहीं हो पाई। महाराष्ट्र की श्रुति आती हुई अब रोप पर। महाराष्ट्र ने जिस ढंग से अपना प्रदर्शन किया है उसने हर किसी को प्रभावित किया है। और महाराष्ट्र के कोच काफी मेहनत करते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ। कल भी हमने देखा कि जो पुरुष टीम थी उनके साथ भी जी जान से जुटे हुए थे। वैसे तो सभी कोचेज काफ़ी लगनशील हैं प्रयत्नशील हैं लेकिन कुछ कोचेज एनिमेटेड होते हैं और उन्हीं में से ये हैं और उनके जो टीम मेंबर हैं वो कह रहे हैं फाइट श्रुति फाइट क्योंकि पता है कि सीधा संघर्ष मध्य प्रदेश से होना है। तैयार हैं श्रुति पोल मलखम पर महाराष्ट्र के लिए
बैट फ्लिप के साथ शुरू किया है फरारा, ये नटराज आसन की मुद्रा। तालियों का शोर सुनिए, दर्शकों का उत्साह चरम पर। डिफिकल्ट पोजीशन होल्ड करती हुई यहां पर ये एक अनूठे ढंग का नटराज आसन। ये फरारा कमाल कर दिया है, रिफ्लेक्सेस और फ्लेक्सिबिलिटी, ये बोथ साइड एलिमेंट। टॉप पर जाने का प्रयास, सुई धागा, बहुत बढ़िया। चेहरे के भाव देखिए, आत्मविश्वास से भरी हुई है। प्रेसिंग एलिमेंट, एक और फरारा, और जिस सहजता के साथ कर रही है उसके भी नंबर मिलेंगे, लेकिन ये साइड लैंडिंग पर जाएंगी, समरसॉल्ट पर नहीं जा रही हैं। ये साइड लैंडिंग और परफेक्ट होती हुई। हर खिलाड़ी को अपनी लिमिटेशंस पता होती है, और इसके साथ ही महाराष्ट्र की टीम का जो पोल है वो एक खिलाड़ी का और बचा हुआ है ऐसा लग रहा है यहां से। ये देखिए जितनी तेजी, चपलता और उसके साथ साथ जो चेंजिंग मूवमेंट थे, सारे नंबर मिलने चाहिए। और जैसे जैसे अहमदाबाद में शाम गहराती जा रही है, वैसे वैसे यहां पर लीडर बोर्ड पर सिचुएशन भी बदलती चली जाएगी। बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है महाराष्ट्र की ये मलखंब की प्रतिभागी।